एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और जैसा कि आप लोग टाइटल देखकर समझ गए होंगे कि आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं डार्क स्किन टोन, डस्की स्किन टोन की गर्ल्स और लेडीज को किस टाइप के कलर्स चूज करने चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैं किसी भी रंग भेद नीति जो होती है उसको सपोर्ट नहीं करती हूँ। सभी कलर्स अपने अपने हिसाब से बहुत अच्छे होते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि फेयर कलर की जो गर्ल्स या लेडी होती हैं वो ज़्यादा ब्यूटीफुल होती हैं। डार्क स्किन और डस्की स्किन वाली गर्ल्स और लेडीज भी बहुत ब्यूटीफुल होती हैं। और जो ब्यूटीफुल जो सुंदरता है वो सही मायने में फीचर्स से डिसाइड होती है। तो चलिए, फिर भी जो हमारा जो समाज है वो डार्क और डस्की स्किन की जो गर्ल्स है और जो लेडीज हैं उनको कहीं ना कहीं डीमोटिवेट कर देता है कि हाइट अच्छी है बट कलर इसका डाउन है, या पढ़ने में अच्छी है बट थोड़ी सी काली है। इस तरह की जो बातें होती हैं ना, वो थोड़ा सा जो गर्ल्स होती हैं डस्की या डार्क स्किन की जो गर्ल्स होती हैं उन्हें थोड़ा सा परेशान कर देती हैं और कहीं ना कहीं डीमोटिवेट भी कर देती हैं, उनका कॉन्फिडेंस भी डाउन कर देती हैं। तो चलिए, मैं आप लोगों से कुछ टिप्स शेयर करूंगी यहाँ पर कि आप किस टाइप की कलर्स को चूज़ करें। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि बिल्कुल कॉन्फिडेंट होके, बिंदास होके आपको जो कलर अच्छा लगता है आप वो कलर चूज़ करें। अपनी पसंद के सारे कलर्स आप पहन सकती हैं। ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि अगर आपकी स्किन डार्क है, सांवली है आपकी स्किन, तो आपको डार्क कलर नहीं पहनने हैं या आपको सिर्फ लाइट कलर ही पहने। ऐसा कोई भी रूल नहीं है। जो आपके मन को अच्छा लगता है वो कलर आप पहने। फिर भी कुछ कुछ बातें यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊंगी जिससे जो है आप जो कलर अगर आप वो यूज करेंगी तो और भी ज्यादा जो आपकी ब्यूटी को वो कॉम्प्लीमेंट करेंगे। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूंगी कि अगर आप थोड़ी सी भी डस्की स्किन की हैं तो आप बहुत से कलर जैसे पहन सकती हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी कि ऑलिव ग्रीन कलर जो होता है वो जो डार्क कलर की गर्ल्स या लेडीज होती हैं उन पर बहुत अच्छा लगता है। इसके साथ ही आप वाइन कलर जो होता है, वाइन कलर आपको मैं बता देती हूँ, ये जो कर्टेन में पीछे आपको दिखाई दे रहा है ना, इसी टाइप का वाइन कलर होता है। तो वाइन कलर भी अगर आप पहनेंगी तो वो बहुत अच्छा लगता है। साइड में मैं पिक्स भी लगा दूंगी ताकि आप लोगों को आइडिया होता जाए। साथ साथ मैं कहूंगी कि अगर आप मेहरून कलर पहनना चाहती हैं तो भी आप बेशक पहने। एक बात मैं यहाँ पे आपसे क्लियर करना चाहूंगी, बहुत सारे कलर्स होते हैं, हमें लगता है कि ये कलर हमारे ऊपर सूट नहीं होता, लेकिन उन कलर्स के भी बहुत सारे शेड्स होते हैं। उन शेड्स को आप ट्राई कर सकती हैं। जैसे मरून कलर है तो वो सिर्फ एक मरून तो है नहीं, मरून में भी बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे। इसी तरीके से रेड कलर है, रेड कलर भी आप पहन सकती हैं, रेड के भी बहुत सारे शेड्स आपको मिलेंगे। और इसी तरीके से डार्क कलर की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, डार्क ब्लू कलर है तो ब्लू में भी बहुत सारे जो है शेड्स आपको मिलेंगे, तो उन शेड्स को आप ट्राई कर सकते हैं। अब जैसे कहा जाता है कि अगर आप सांवले कलर के हैं तो आपको येलो कलर नहीं पहनना है, तो अब ये कहाँ का रूल हो गया कि चलो येलो कलर नहीं पहना। तो चलिए मान लिया कि येलो कलर नहीं पहनना है, तो उसकी जगह पे आप मस्टर्ड जो कलर होता है ना, मस्टर्ड कलर, वो कलर आप ट्राई कर सकते हैं। वो सांवले कलर पर बहुत ज़्यादा खिल करके आता है। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहूँगी यहाँ पर कि कलर आप कोई सा भी पहने, आप कॉन्फिडेंट रहें। सोचे कि मेरा कलर स्किन टोन जो है डार्क है या सांवला है तो मुझ पर कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। आप हर तरह के कपड़े पहनिए। और अगर आप लाइट शेड्स में भी जाना चाहती हैं तो बहुत सारे लाइट शेड में आपको ऑप्शन मिलेंगे। लाइट शेड तो सब पर ही अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है कि फेयर कलर है तो अच्छा लगेगा या सांवला कलर है तो अच्छा लगेगा या डार्क कॉम्प्लेक्शन है तो अच्छा लगेगा, ऐसा नहीं होता है। लाइट कलर तो सभी पर अच्छे लगते हैं। लाइट में भी आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, जैसे आप पिंक पहन सकती हैं लाइट में तो, और आपको जो पिस्ता कलर होता है ग्रीन शेड में ही आता है वो आप पहन सकती हैं, स्काई कलर आप यूज कर सकती हैं। तो ट्राई जरूर करें, थोड़ा सा अपने स्टाइल पर ध्यान दें। बस हर कलर के आप कपड़े पहने, बहुत सारे कलर्स हैं इस
दुनिया में, और ऐसा कोई भी रूल नहीं है। मैं फिर यही बात कहूंगी कि किसी फिक्स है कि जैसे ये गोरे रंग के लोगों को पहनना है या सांवले रंग के लोगों को पहनना है। सारे कलर्स जो है सभी के लिए बने हैं, तो आप सभी कलर्स पहनिए। हाँ, अपने लुक पर ध्यान दीजिए और बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर सारे कलर्स पहनिए, और बिल्कुल भी मन में ये ना सोचे कि मेरी स्किन टोन डार्क है या सांवली है। इसके साथ ही मैं आपसे मेटेलिक कलर की यहाँ पर बात करूंगी। मेटेलिक कलर वो कलर होते हैं जैसे गोल्डन हो गया या सिल्वर हो गया, तो यहाँ पर मैं आपको कहूंगी सिल्वर कलर को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, लेकिन गोल्डन कलर आप ट्राई कर सकती हैं। गोल्डन कलर भी बहुत अच्छा लगता है, जैसे कि आप लोग दीपिका पादुकोण को देखते हैं, वो गोल्डन कलर काफी यूज करती है और वो भी सांवले स्किन टोन की ही है, तो उन पर काफी अच्छा लगता है गोल्डन कलर। और इसी तरीके से आप बहुत सारी डस्की स्किन की जो एक्ट्रेस हैं उनको देख सकती हैं, जैसे प्रियंका चोपड़ा है, दीपिका पादुकोण है, रानी मुखर्जी आप देख सकती हैं, और वो सभी कलर्स पहना करती थी और सभी कलर्स उन पर अच्छे भी लगते थे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप कोई पर्टिकुलर कलर ही पहनेंगी या ये कलर आप नहीं पहन सकती हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो, होपफुली आपको अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो मुझे कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। मिलेंगे फिर किसी अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।